हेलो मेरे चाहने वालों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हो भाई लोग? तो भाई आज है दिवाली, तो आप सभी को मेरी तरफ से भाई दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज का वीडियो तुम्हारा भाई अकेले नहीं बनाने वाला है, आज तुम्हारे साथ में एक है सरप्राइज। तो सरप्राइज है जसिंटा भी, मेरी वाइफ साथ में आई। आप देख सकते हो लोगों ने भर भर के हमें इतना सारा प्यार गिफ्ट भेजे, इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स बुके आए हैं। आप खुद ही देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं ये। तो तुमको भाई सरप्राइजिंग एक चीज़ और दिखाता हूँ, क्योंकि आज दिवाली के साथ एक चीज़ और है जो कि अंग्रेजों का त्यौहार है, हमारा नहीं है, लेकिन फिर भी भाई क्योंकि आजकल कल्चरों का आपस में दान प्रदान होता है, तो तुमको एक चीज़ दिखाता हूँ। तो भाई आज हेलोविन भी है, तो तुम देख सकते हो भाई कैसा डरावना सा है। तो मैं ट्राई करता हूँ भाई कैसा लगता हूँ। हैप्पी दिवाली गाइस। तो कितना अजीब लग रहा है भाई ये मास्क पहन के हैप्पी दिवाली बोलते हुए अभी। तो अभी भाई हम खाने का वेट कर रहे हैं, बस खाना आते ही उसके बाद हमने पूजा तो कर ही ली है, अब हम उसके बाद जाएंगे नीचे क्रैकर्स फोड़ने के लिए। और तुमको तुम्हारा भाई दिखाएगा हमारी सोसाइटी में दिवाली बन कैसे रही है, क्योंकि भाई दुनिया भर का धमाका होने वाला है। अभी कोई नीचे है नहीं, इसलिए तुम्हारा भाई अभी नीचे आने रहा, केवल घर घर में वीडियो बना रहा है, क्योंकि भाई मज़ा तभी आएगा जब सब मिलकर दिवाली मनाएंगे, है कि नहीं? तो भाई वीडियो में बने रहना, जाने की कहीं भी कोशिश मत करना। और हाँ, चैनल बने हो तो चैनल कर लो सब्सक्राइब। तो भाई खाने में देखो क्या क्या ऑप्शंस है भाई, चाप है, कबाब है, टिक्की है, पनीर, और वो भी आपको जान के हैरानी होगा भाई सबके सब वेज है, वेज। तो भाई आज हम खा रहे हैं ये सब, क्योंकि भाई आज करिए पूजा तो सब कुछ वेज खाने वाले हैं। एंड सबसे बड़ी बात, सब कुछ बिना अल्कोहल के सब कुछ वेज होने वाला है यहाँ पे। तो भाई सेलिब्रेशन का धमाल चलता रहेगा, आपको करना क्या, वीडियो में बने रहना, बिल्कुल भी हिलना नहीं है, बता रहा हूँ अल्टीमेटम, वार्निंग, हिलना नहीं है। ये देखो भाई हमारे घर में जो हमने लाइटें लगवाई थी वो थोड़ी सी डिम पड़ गई हैं, पता है इलेक्ट्रिशियन भैया ने कैसी लाइटें लगाई हैं। और देखो भाई दो दिन हुए थे लगाते हो, लाइटें कितनी डिम पड़ गई है। तो भाई कोशिश करो हमेशा कि अपने आप से लाइटें लेकर आओ, किसी पे रिलाय मत करो और अच्छी चीज़ लेकर आओ, क्योंकि अगर पैसा दे के भाई शांति नहीं मिले ना, पीस ऑफ माइंड नहीं मिले, तो मज़ा नहीं आता। ये कुछ व्यू है भाई लोग हमारी सोसाइटी के नीचे का, तुम देख सकते हो तो कितनी प्यारी लाइटिंग कर रखी है। और सच में जैसे कि बोलते हैं भाई दिवाली लाइटों का त्यौहार है, तो तुम देख सकते हो भाई हर जगह। और ये देखो दूर की जो सोसाइटीज़ है उनमें भी कितनी लाइटें जल रही है, देख रहे हो, वरना पता भी नहीं चलता हमारे यहाँ पे सोसाइटीज़ ये दूर से दिखती भी है। लेकिन देखो आज क्योंकि लाइट्स इतनी जल रही हैं तो कितना अच्छा लग रहा है। और जैसे जैसे लोगों की पूजा खत्म हो रही है, लोग पटाखे भी फोड़ना शुरू कर रहे हैं। आप देख सकते हो सामने पटाखे फोड़ते हुए दिख रहे हैं। और देखो कितना प्यारा फ्लावर हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं, देखो लाइटों वाला फ्लावर है, क्योंकि लाइटों का त्यौहार है तो हर जगह लाइट होनी चाहिए। तो तुम्हारे चेहरे पे जो ग्लो आ रहा है साथ में इस कैमरे के, वो इस फ्लावर की वजह से भी आ रहा है। और लाइट देखो यार कितनी प्यारी है, मैं थोड़ा पास आता हूँ, ये देखो भाई कितना प्यारा है। तो भाई सेलिब्रेशन चलते रहेंगे, आज बहुत ही धमाकेदार तुम्हारा भाई का वीडियो होने वाला है, क्योंकि अभी दिवाली 14 साल के वनवास के बाद श्रीराम प्रभु घर पर आए, तो घर में दिए जलने तो लाजमी है। तो आओ भाई तुम्हें थोड़ा दिखाते हैं भाई घर में दिए कैसे लगाए हैं हमने। सकते हो गाइस ये रंगोली हमने बनाई है लक्ष्मी जी के सामने, और यहाँ पर हमने उनको रखा है, और कुछ मिठाई लड्डू ये सब रखा है उनके लिए। तो यहाँ मैं तैयार हो चुकी हूँ आपके स्वागत के लिए। और गाइस आइए ये देखिए, हम आपको दिखाते हैं हमने किस तरह से अपना मेन गेट जो है डेकोरेट किया है, और सारा जो है मैंने खुद किया है, तो पुलकित को था कि हम आपको भी दिखाएं। तो आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताएं। फूल लगाए हैं और ये सब भाई डिज़ाइन किया है जसिंटा ने। और नीचे देखो भाई रंगोली, ये देखो भाई ठीक है, और ये देखो दिए लग रहे हैं भाई, बहुत ही बढ़िया। तो हम आ चुके हैं गाइस नीचे, और हम देख रहे हैं माहौल तो देखते ही बन रहा है। और पुलकित इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि भाई ऊपर उनसे बैठा ही रहा था, उन्होंने कहा भाई जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ और सब नीचे उतर जाते हैं। तो आप देख सकते हो आगे आगे चल रहे हैं बिल्कुल। तो भाई लोग मैटर देख लो कैसा है भाई, कितनी बढ़िया लाइटनिंग हो रही है, और दिवाली की भाई ढेर सारी शुभकामनाएं सर से आपको। और देखो जैसे कि हम नीचे उतरे भाई, वैसे बहुत सारे लोग नीचे उतर गए भाई, और देखो भाई कितनी लाइटनिंग हो रही है। तो भाई सही है भाई, दिवाली का मज़ा रात में ही आता है भाई, क्या वाइब लग रही है देखो पूरी, क्या बात है। तो आगे आगे जो सेंटर मैंने चल रही है, ये देखो भाई कहाँ गए रॉकेट के घर के अंदर। गाइस यहाँ पर पूरी मेरी फैमिली है और हम सब मिलकर के बना रहे हैं। तो आप देख सकते हो पुलकित को पड़ा है, पुलकित यहाँ पर
फुलझड़ियाँ जला रहे हैं और बम भी जला रहे हैं। मेरे को तो भाई बहुत डर लग रहा है। मैं तो आप देख सकते हो बिल्कुल दूर खड़े होकर के ही इंजॉय कर रही हूँ। पूरा रोड गाइस बम पटाखों से गूंज रहा था। बिल्कुल भी आप सर्विस लेना है यहाँ की सोसाइटी की। आप देख सकते हो हर तरफ लोग बम पटाखे अनार ये सब चल रहे थे और इतना ज़्यादा डर लग रहा था। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना गौर फुल के धागे हैं कि भाई सब ले लो अपने हाथ में एक एक फुलझड़ी। और मेरे को फुलझड़ी से भी ये था कि हाँ डर लगता है, पर हाँ थोड़ा दूर दूर से करके चला सकती हूँ मैं। और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि दिवाली पे इतने सारे बम पटाखे लोग फोड़ने वाले हैं। आप देख सकते हो बीच बीच में गाड़ियाँ भी आ रही है, पर उनको भी इतना डर नहीं लग रहा है क्योंकि हर कोई यहाँ पर बम चला रहा है और पुल कितने लगा दिए हुए हैं यहाँ पर अनार। और देखिए आप, तो इतना ज़्यादा माहौल अच्छा था, दिखते ही बनता है। देख सकते हो आप यहाँ पर किसी ने ये जलाया है, इसे कैंडल बोलते हैं आई थिंक, अगर गलत है तो आप गाइस बताइएगा ज़रूर। तो मुझे वो भी बहुत प्यारा लग रहा था। और आप देख सकते हो बिल्कुल अलग वो चीज़ है, एकदम देखते ही बनती है, पर उसके लिए बड़ी मेहनत लगती है गाइस। और यहाँ पर पुलकित फिर कुछ ना कुछ निकाल रहे हैं, मेरी माता है, सिस्टर, सब लोग साथ में हैं और इतने सारे बम रखे हैं। मैं तो समझ नहीं आ रहा आज पूरे दिन में ये ख़त्म हो पाएंगे या नहीं, हमें कल या फिर दोबारा आना पड़ेगा, अब नहीं जानते हो। देखो पुलकित फिर भी रोड पर लगा रहे हैं अनार हमारे लिए थोड़ा ईजी था और ये बुझ गया है, अब दोबारा से पुलकित लगाएंगे। तो ये थोड़ा इजी लगता है लगाना क्योंकि बम वगैरह से तो हमारी पूरी फैमिली डरती है, तो हमने ज़्यादातर अनार फुलझड़ी चक्री यही सब का इस लिया है। और आप देख सकते हो पूरा रोड में सब लगा रहे हैं, बेचारे बाइकर्स जो आ रहे हैं उनको भी डिफ़िकल्टी हो रही है। गाइस हमारी पूरी फैमिली की तरफ से आपको हैप्पी दिवाली। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।